बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया में बढ़ते युद्धों और अराजकता के माहौल में सैनिकों और अन्य सुरक्षा बलों की सरकार की प्राथमिकता बनती जा रही है। इस दिशा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा योगदान बहुत जरूरी हो जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट आधुनिक समय में सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इस जैकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि इसको पहने हुए व्यक्ति को यदि गोली भी लग जाए तो उसकी जान का कोई खतरा नहीं होता है। इस वीडियो में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया जाता है और यह जैकेट किस तरह की गोली के प्रभाव को खत्म करती है। आइए जानते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनने में किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए सबसे पहले इसके लिए जरूरी कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए फाइबर या फिलामेंट का उत्पादन किया जाता है जो कि वजन में हल्का लेकिन मजबूत होता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मटेरियल का नाम केवलर है जो कि हम एक पैरा अरामिडिक सिंथेटिक फाइबर होता है। केवलर तरल रासायनिक मिश्रण से एक ठोस धागा कताई द्वारा उत्पादित किया जाता है। एक अन्य फाइबर डाइनीमा है जिसे पॉलीथीन बेस में से बनाया जाता है। यह बहुत मजबूत होने के साथ साथ बहुत हल्का भी होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार कैसे किया जाता है ये जानते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट में दो परतें होती हैं। सबसे ऊपर सेरेमिक परत होती है, उसके बाद बैलिस्टिक परत लगाई जाती है। इस दोनों परतों को मिलाकर ही जैकेट तैयार होती है। जैकेट बनाने की प्रक्रिया में फाइबर या फिलामेंट को बड़ी रील के रूप में बना लिया जाता है। इसके बाद इस रील और पॉलीथीन बेस की सहायता से मजबूत चादर का निर्माण किया जाता है। अंतिम रूप से निर्मित बैलिस्टिक शीट के ऊपर तैयार धागे को लगभग 130 से 200 मीटर की लंबाई में रोल किया जाता है जो कि किसी अन्य वस्त्र को के रोल की तरह दिखता है। जब कोई गोली बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले वह सेरेमिक लेयर से टकराती है। बेहद मजबूत सेरेमिक लेयर से टकराते ही गोली की आगे का नुकीला सिरा टुकड़ों में टूट जाता है और गोली से छोटे छोटे कणों के रूप में जैकेट पर फैल जाती है। यह इस कारण गोली का फोर्स कम हो जाता है और उसके भेदन क्षमता कम हो जाती है और गोली लगने वाले व्यक्ति को कम नुकसान होता है। इसके बाद का कम बैलिस्टिक परत करती है गोली के सेरेमिक लेयर से टकराकर टूटने के बाद बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है उसे बैलिस्टिक परत सोख लेती है। इसके चलते बुलेट प्रूफ पहने सैनिक को कम से कम नुकसान होता है और वह सुरक्षित बच जाता है। केवलर एक कॉमन मटेरियल है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इस मटेरियल से बनी जैकेट और हेमलेट को केवलर जैकेट या हेमलेट कहा जाता है। इसके अलावा वैक्ट्रैन नाम के मटेरियल की सहायता से भी बुलेट प्रूफ तैयार किया जाता है। इससे बनने वाले जैकेट और हेमलेट को वैक्ट्रैन जैकेट या वैक्ट्रैन हेमलेट के नाम से जाना जाता है। वैक्ट्रैन जैकेट केवलर से मजबूत मानी जाती है क्योंकि यह स्टील से भी 10 गुना ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। एक बुलेट प्रूफ की कीमत क्या होती है ये जानते हैं। इस जैकेट की कीमत इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल के आधार पर तय होती है। वैक्ट्रैन से बनने वाली जैकेट की कीमत केवलर जैकेट से अधिक होती है। सामान्य तौर पर एक जैकेट की कीमत 40,000 रुपये से शुरू होकर 2,00,000 रुपये तक होती है। इस जैकेट का वजन 8 किलो के आसपास होता है। हालांकि कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इससे कम वजन की जैकेट को बनाने का काम जारी है। इस जैकेट की एक विशेषता है कि इनको जरूरत के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे केवल गश्त ड्यूटी में इसके पीछे वाले हिस्से को हटाया जा सकता है और केवल अगले हिस्से को ही पहना जा सकता है। इसी तरह इसके साथ हेमलेट गर्दन कोहनी और कमर के टुकड़ों को अलग किया जा सकता है। इसमें विशेष किस्म के नवीनतम सामग्री लगाई जाती है। भारत में बनने वाली सॉलिड बुलेट प्रूफ जैकेट 100 से ज़्यादा देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है जिसमें कुछ बड़े देश के नाम हैं जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस आदि। भारत में दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद क्षेत्र इस दिशा में बहुत ही तरक्की कर रहा है और यहाँ तक कि बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेटों का उत्पादन किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए। एमिंग स्टडी